हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट मैराथन। दिन है शनिवार, समय हो रहा है सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो फ्रेम किए गए हैं आपके स्टैटिक बुक्स से, स्पेक्ट्रम से, एंशंट इंडिया से, इंडियन पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, सबसे। ये बेस्ट टॉपिक्स होंगे, हाई यील्डिंग टॉपिक्स होंगे। इन पर सवाल हर साल आते हैं, आपको इन्हें बार बार पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है। तो देखते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। ये हमारी क्लास रिवीजन है। यहाँ पर हमने अपने फरवरी मार्च इस महीने के हमने जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे उनको हम रिवाइज करेंगे। देखते हैं कि आपको कितनी बातें याद है। क्वेश्चंस ढेर सारे होंगे, आपको समय कम मिलेगा सॉल्व करने का। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब बातें पता है आपको, मैंने पढ़ाया है चढ़े आईक्यू में, मैंने काम किया है चाणक्य आईएएस और फोरम आईएएस में भी। मेरे मार्क्स देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल है एड सुमंत, यहाँ पर आपको मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे और हम लोग वहाँ पर एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनके जो बेस्ट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, वो हमने डालना शुरू किया है, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। हमने कोर्स लॉन्च किया है करंट अफेयर का और 1 जुलाई से इसका जो पार्ट 2 है वो शुरू होने वाला है, तो इसको एनरोल कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, एसएन लाइव आपका रेफरल कोड है, इस कोड को यूज़ कीजिएगा। आपको पहला फ़ायदा ये होगा कि डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट तो खैर अलग चीज़ है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। आपको मेन देखना है कि आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर। क्वालिटी जो करंट अफेयर है आपका वो पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों करंट अफेयर पूरा हो जाएगा अच्छे से एकदम, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। सारे टॉपिक हम लोग आपको कवर कर लेंगे यहाँ पर, द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के। क्लियर है? यहाँ पर आपसे सवाल करवाते हैं मेंस के भी, मतलब करंट में टॉपिक से कौन सा सवाल मेंस में आ सकता है, वैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं GS4 का जो है ना केस स्टडी, कैसा केस स्टडी बन सकता है करंट अफेयर से, वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया था आपको, मैंने परसों डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था, GS4 में आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पर एक केस स्टडी, तो आपने सॉल्व किया तो साहब आपका आंसर था। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे कोर्सेज एंशियंट, मिडिएवल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड इंडियन इकोनॉमी के। आप फी पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में भी, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड दोनों से आप पे कर सकते हैं, वो भी 0 कॉस्ट EMI पर। बस यहाँ पर एस एन लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आप यहाँ पर अपने कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं। हम लोगों ने शुरू किया है ये जो यूपी समिट है, वो कल इसका पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है, ये कल भी चलेगा। तो ये 3 दिन का इवेंट है जहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के, यहाँ पर आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है बताते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ये पूरा फ्री है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा यूट्यूब पर और आपके जो हमारे प्लेटफॉर्म अकेडमी का है उस पर। चलो आ गए सब लोग, शुरू करते हैं सवाल अपने। बहुत अच्छे, निशा, मुकेश, पूनम, आरोही, खुशबू, अनुराधा, साक्षी, गुड आफ्टरनून सभी को, उदय, इमराना, आकाश, अशोक, रितेश, सत्यजीत, सुमन, शबनम, ईश्वरी, रोमा, गौरव, लावी, युवराज, आशीष, प्रगति, आरआरसी। बहुत अच्छे। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी 9 बजे वाली, उसका हमने आपको दिया है ना मॉडल आंसर, तो आप आंसर लिखिए उसको सॉल्व कीजिए। वो 9 बजे का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो ये एक इशू है, दिन में इतनी सारी क्लास होती है ना। आपको जो टारगेट वाली क्लास है ये कभी खत्म नहीं होगी, ये आपको रोज मिला करेगा, ये कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्या आंसर है इसका? कहा गया है एक हमारे जो महाराजा उनके बारे में, उनको दिया गया था टाइटल लाइन ऑफ पंजाब का। वो अपने सेकुलर और जो न्यायपूर्ण काम है उसके लिए जाने आते थे। उन्होंने हरमंदिर साहब जो है अमृतसर में, इसको उन्होंने बदल दिया गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में। हरमंदिर साहब जो मंदिर है, टेम्पल है, इसको उन्होंने सोने से ढक दिया और उसको बना दिया उन्होंने स्वर्ण मंदिर। ये कौन है? ये हमारे हैं रंजीत सिंह जी। क्लियर है? रंजीत सिंह जी क्यों थे न्यूज में? क्योंकि सवाल आया था जो न्यूज में आया था आपका, कोहिनूर हीरा,
हम लोग डिमांड कर रहे थे ब्रिटेन से कि हाँ हमको वो हीरा चाहिए, उस पर जो चीज़ें हैं वो हो रहा है, एफर्ट चल रहा है गवर्नमेंट का। तो इसमें बात आती है रंजीत सिंह की, शायद इनसे ले गए थे वहाँ के जो मतलब ब्रिटिश जो गवर्नर हैं वो सब, यहाँ से जो आपके हीरे हैं उसको। क्लियर है? तो इनको दिया गया टाइटल, इसका टाइटल दिया गया है इनको लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब का। इन्होंने जो अफगान इन्वेडर हैं इससे लाहौर को बचाया, जो अफगान के जो वहाँ के जो लड़ाकू है ना वो हमला कर रहे थे इन पर, तो उन्होंने बचाया और लाहौर इनकी राजधानी बनी रही इनकी मृत्यु तक। क्लियर है? इनके समय में पंजाब था 6 नदियों की भूमि, जहाँ पर इंडस छठी नदी थी, जो सिंधु है छठी नदी थी। इनका शासन न्यायपूर्ण था, सेकुलर था, हिंदू मुसलमान दोनों को ऊंचे ओहदे दिए गए थे, पावरफुल पोजीशंस दिए गए थे। क्या आंसर आ गया आपका? रंजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आपको हमने बताया है क्रांतिकारी के बारे में, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। उनको सजाए मौत दी गई थी काकोरी कंस्पिरेसी केस में 1925 में। दूसरा, वो संबंधित थे HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले ये HRA था, पहले ये HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में HRA पर जब समाजवाद का प्रभाव पड़ा, HRA पर जब समाजवाद का प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ, ये संस्था बदल गया HSRA, इस संस्थान में। ठीक है? तो ये बातें हो गई। तीसरा है, ही वॉज डिसल्यूजन्ड विथ गांधीज विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड के बाद जो मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया गया, तो जो क्रांतिकारी ने इन्वॉल्व थे इसमें, देखो ध्यान से, स्वदेशी ये आपका जो स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन आंदोलन, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इनको गाइड नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने अपना जो पर्सनल बहादुरी है, जो खुद की बहादुरी है, वो दिखा करके देश के लिए काम करने लगे। मगर फिर जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो इन क्रांतिकारियों ने गांधी जी के क्रांति को, इनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए इन्होंने हिंसा छोड़ी कुछ समय के लिए, कि नहीं नहीं आप चलाइए आंदोलन, हम साथ हैं आपके। मगर गांधी ने जब आंदोलन को प्रीमेच्योरली बंद कर दिया, जब आंदोलन अपने पूरे जोर पर था, गांधी जी ने उसी टाइम आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। तो इन लोग को लगा कि यार हमने इतना त्याग किया और आपने हमें सिला दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। तो इन्होंने मतलब काफ़ी डिसिल्यूजन थे, इनका मोह भंग हो गया गांधी से कि नहीं अब आपके चक्कर में नहीं आएंगे, हमें अपना काम करने दो। ठीक है? हाँ, तो आपका देखो ध्यान से, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, आपका एक क्वेश्चन से एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। आपको पता है मेरे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, 60 क्वेश्चन 60 टॉपिक खत्म। मैं आपको मॉक टेस्ट इसीलिए करवाता हूँ यहाँ पे और टारगेट वाले में भी। तो यहाँ पर एक कौन थे, पोटी चिरामलू, असफुकुल्ला खान, खुदराम बोस, बाल गंधर्व तिलक। ABCD में क्या जवाब है जी? असफुकुल्ला खान। अरे वाह, ठीक है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये हिंट दिया है, क्या ये तिलक है? नहीं, तिलक नहीं है। क्या खुदराम बोस है? नहीं। श्रीरामलू है? नहीं, ये अशफाकुल्ला खान जी हैं। फोटो देख के तो पहचानो, केवल हीरो को पहचानोगे। ये अशफाकुल्ला खान जी हैं, इनको मिला था डेथ का पनिशमेंट काकोरी कांड में, काकोरी कंस्पिरेसी में। अच्छा ध्यान सुनना, ये जो आपका कंस्पिरेसी है, इन सब के बारे में पढ़ लेना आप स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम किताब उठाना, और इसका जो पीछे का टॉपिक है, सब स्पेक्ट्रम में बना हुआ है ना पीछे टेबल, इसको पढ़ लीजिएगा। देखो ध्यान से, चौथा जो टेबल है आपका, चौथे टेबल में आपको दिया गया है मूवमेंट्स के बारे में, आपके जो सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म हैं वो दिया गया है इसमें, धर्मसभा, वहाबी आंदोलन, नामधारी, इन सब बारे में पढ़ना है, रहनुमाई वगैरह। इसमें एक टेबल और है जहाँ दिया गया है आपको आपके जो अलग अलग गवर्नर हैं और जो अलग अलग आंदोलन है उसमें क्या क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में क्या काम हुआ था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सारी बातें लिखी गई आपके टेबल में। तो टेबल स्पेक्ट्रम का ध्यान से पढ़िएगा, इससे सवाल आते हैं और लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए सवाल उनका छूटता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अशफाकुल्ला खान जी का जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1919 में, ठीक है ना।
जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1900 में। तो इस साल उनके जन्म के 120 साल हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को अभी कुछ महीने बाद इनके जन्म के 120 साल हो जाएंगे। जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर यूपी में। ये बड़े हुए जब गांधी ने लॉन्च किया था असहयोग आंदोलन, और उन्होंने भारतीयों को कहा था कि आप टैक्स पे मत कीजिए, सरकार से सहयोग मत कीजिए। क्लियर है? 1.5 साल के भीतर, मतलब कि आंदोलन के 1.5 साल के भीतर जो चौरी चौरा इंसिडेंट है वो हुआ गोरखपुर में, और इनसे इनका मोह भंग हो गया। मतलब कि जो आंदोलन खींच लिया गया था, आंदोलन के वापस लेने के बाद इनका मोह भंग हो गया। और इन्हीं क्रांतिकारियों में अशफाकउल्लाह खान भी थे, तो इस कारण से वो बन गए एक्सट्रीमिस्ट। और उन्होंने जो HSRA है इसकी ओर वो मुड़े, इस आपके जो है ना संगठन उनकी ओर मुड़े। ठीक है, अगला आपका सवाल है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगला आपका सवाल है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ध्यान से बताना क्या आंसर है इसका। अलाउद्दीन खिलजी एक मिलिटरिस्ट था, एक इंपीरियलिस्ट था। इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो ओरिजिनल नाम था वो था अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम था वो क्या था? अली गुरशप। अली गुरशप। क्लियर है? उन्होंने दिल्ली को एक नया टाइटल दे दिया, दार उल खलीफा। दार उल खलीफा टाइटल दिया इसने दिल्ली को। मतलब कि इसने कहा कि हम ही खलीफा हैं। सो ये दिल्ली जो है ना वो खलीफा की सीट है। बढ़िया, समझ गए? तो इनके बारे में कौन सी बातें सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को डिक्लेयर किया सिकंदर असानी। उन्होंने इक्ता सिस्टम को बना दिया वंशगत। उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स लिए। चौथा, उन्होंने अलाई दरवाजा बनाया, श्री फुट बनाया और जमात खाना मस्जिद बनाई। मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ओपन करके ब्राउजर में अलाई दरवाजा, याद है? अलाई दरवाजा, श्री फुट, जमात खाना मस्जिद, ये तीनों किन्होंने बनाई है? 1, 2, 3, 4 में कौन सा सही है ये बताइएगा। 1, 2, 3, 4 में कौन सा बताइए सही है, ध्यान से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता को वंशगत नहीं किया, इक्ता को खत्म कर दिया। इक्ता को खत्म कर दिया, समझ गए? इक्ता सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। आपका दूसरा तो गलत हो गया, एकता को खत्म कर दूसरा गलत हो गया आपका। क्लियर है? जैसे ही मेरा दो गलत हुआ तो आपका यहां पर ए कटा गया, बी और आपका डी सी चला गया, है ना? दो यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी, बच गया आपका डी। 1, 3 और 4 ओनली आर करेक्ट। उन्होंने किया क्या कि जो मार्केट रिफॉर्म है वो लिए थे, अलाई दरवाजा, श्री फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, इन्होंने तीनों बनवाए थे। उन्होंने तीनों बनवाए थे। उन्होंने खुद को सिकंदर आसानी डिक्लेयर किया था। उन्होंने खुद को सिकंदर आसानी घोषित किया था। आपका पहला यहां पर सही है। जब भी आप क्लास में बैठिए तो एक पेज लेके बैठिए। अच्छा सर, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे? इसका नोट्स कैसे बनाएंगे? तो ध्यान सुनना, आपका ये जो सवाल है इसका नोट्स बनाएंगे आप ऐसे। चुपचाप ध्यान से सुनो कैसे नोट्स बनाना है। देखो, क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिकंदर असानी। सिकंदर ए सानी। क्लियर है? क्या लिया था? बाजार में सुधार लिया था। क्लियर है? एकता को खत्म किया। और क्या बात इसमें जी? इसमें आपका क्या है? तीन थे, एक था आपका अलाई दरवाजा, है ना? क्या क्या था?
अलाई दरवाजा था, सिरी फोर्ट था, अलाई दरवाजा, सिरी फोर्ट, और क्या था जी? जमात खाना था ना, जमात खाना, जमात ए खाना बनवाया, समझ गए? तो आपको इस तरह से जो नोट्स है वो बनाने हैं। इन्होंने का काम क्या था, इन्होंने दिल्ली को क्या किया था, क्या किया था? दार उल खलीफा खलीफा डिक्लेयर किया था, घोषित किया था, समझ गए? और क्या था जी, और क्या था? इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अली क्या नाम था? अली गुरशप। इसका नाम था अली गुरशप। तो आपको इस सवाल में ऐसे बनाना है नोट्स, आपको सवाल का नोट्स ऐसे बनाना है, सवाल नहीं छापना है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है। पीडीएफ आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में पड़ा रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, गारंटी है, बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान सुनना। यहाँ पर आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बारे में जो आपने इतनी बातें लिख ली, तो ये बातें आपको अधिकांश ऐसे ही याद हो गई। खिलजी के बारे में ये बातें आपको ऐसे ही याद हो गई, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, समझ गए? तो नोट्स जो है वो बनाते चलिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? हाँ, बढ़िया। चलो, तो बाकी बातें इसके बारे में है, बाकी बातें जो है इसके बारे में है, क्या है? हाँ, तो ये असली खिलजी नहीं है, असली खिलजी ये है। वीडियो लाइक कर दिया कि नहीं? लाइक कर दिया ना, ठीक है। तो इन्होंने जो आर्थिक रिफॉर्म लिए थे, उन्होंने घोड़े की जो ब्रांडिंग है वो करने शुरू करी थी, और जो है ना चेहरा, क्या बोलते हैं उसको, हुलिया मतलब दर्ज करने की प्रथा थी, इसने शुरू किया था। उन्होंने जो छूट दे रखे थे, धार्मिक छूट दे रखी थी, वो सब उसने ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान ए मुख्तराज। मुख्तराज एक दीवान, जैसे कि एक जो डिपार्टमेंट है बनाया, ताकि जो टैक्स बचे हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको वसूला किया जाए। इन्होंने एक अलग मार्केट बनाया, जो खाना है, अनाज है, कपड़े हैं, घोड़े हैं, फल हैं, इन सब के लिए, इनके लिए उन्होंने अलग अलग जो मार्केट थे उन्होंने वो बनाए। इन्होंने स्पाई सिस्टम को पूरा रिओर्गनाइज कर दिया, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगा दी, जो प्रोहिबिशन है ना, पहले इन्होंने ही लगाया था, गुजरात और बिहार तो बाद में आए थे, जो शराबबंदी उन्होंने पहले ये लगाया था। एक बात और, जो नोबेल होंगे, जो बड़े लोग होंगे इनके दरबार में, वो इंटरमैरी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि एक जो आपका नोबेल है उसका बच्चा किसी दूसरे के बच्ची से शादी नहीं कर पाएगा। होता क्या है ना कि जब संबंध बन जाते हैं नोबेल के बीच में, तो वो लोग गुटबंदी करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, गुटबंदी करते हैं, और सुल्तान को खुद इसे खिलाफ शरण रचने लगते हैं, इस उग्रानी का जो है ना चालू से रचने लगते हैं। तो इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखा था। भारत के पास अभी स्टैंडिंग आर्मी है, वो परमानेंट, क्लियर है? तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, इन्होंने एकता का जो व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया, उनको अब पैसा मिलता था कैश में मिलता था पैसा उनको अब। चलो, अगला सवाल आपका है स्टार कैंपेनर के बारे में, ध्यान से बताइएगा। ओनली अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव अ स्टार कैंपेनर, क्या आंसर है इसका? लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द लीडर फ्रॉम द स्टार कैंपेनर, क्या आंसर है जी? 1, 2, 3 में आपका कौन सा सही, ध्यान से बताना जल्दी से।
स्टार प्रचारक के बारे में? हाँ बिल्कुल, लिखने से याद होता है, लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। ये काम किया कीजिए आप। ठीक है ना? तो ध्यान सुनना, यहां पे आपका जो स्टार कैंपेनर है उसके बारे में सवाल दिया गया है आपका। यहां पर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है क्या? स्टार कैंपेनर वो व्यक्ति होता है जो पॉलिटिकल पार्टी में प्रचार करता है उसका। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है उसमें 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, मगर जिस पार्टी को मान्यता नहीं मिला है मगर रजिस्टर्ड है, ध्यान सुनना, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। क्लियर है? मान्यता मिला है तो 40, मान्यता नहीं मिला है तो केवल 20 स्टार कैंपेनर उसमें हो सकते हैं। समझ गए? उसमें 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। तो क्या बोला यहां पर? ओनली अ मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, अगर मान्यता प्राप्त रहेगा ना तो 40 रख सकता है, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो उसमें 20 रहेगा। तो यहां मेरा ओनली था तो गलत हो गया, मेरा पहला यहां पर गलत हो गया। मैंने क्या किया? ए को हटा दिया अब यहां से, मैंने डी को हटा दिया यहां से, बी बच गया और सी बच गया। दोनों में टू टू है, मुझे देखना है केवल थ्री। क्लियर है? तो क्या प्रेसिडेंट रिमूव करेगा स्टार कैंपेनर की लिस्ट से? कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने रिमूव कर दिया था अनुराग ठाकुर को। तो किसने किया था रिमूव? इलेक्शन कमीशन ने किया था रिमूव, ना कि प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन कैन रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टार प्रचारक। आपका तीसरा गलत हो गया। क्या आंसर है जी? दूसरा सही है आपका, सी आपका केवल सही है। क्लियर है? सी जो है वो आपका सही है। बढ़िया, ठीक है। सैटरडे संडे को हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको हम रिवाइज करेंगे। जो भी बातें हमने पहले पढ़ ली होंगी शनिवार रविवार को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो फटाफट बढ़ते रहिए आगे, धड़ाधड़ चीज हम समझते जाते हैं। अगला सवाल आपका है आईसीजे के बारे में। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूएन। इट इज द, हाँ। दूसरा, क्या इसमें 15 जज होते हैं जिनका चुनाव होता है 5 साल के टर्म के लिए यूएनजीए के द्वारा? क्या जज नहीं इलिजिबल है री इलेक्शन के लिए? क्या आंसर है जी? क्या जज इलिजिबल नहीं री इलेक्शन के लिए? हाँ सर, आपके वाला मॉक टेस्ट में तो राइट होता है बट विजन टेस्ट सीरीज में रॉन्ग हो जाता है आंसर। तो कैसे, सवाल ठीक से नहीं करते? क्या दिक्कत होती है वहां पे? रॉन्ग क्यों होता है? डाटा वाले ट्विस्ट करते हैं क्या ज्यादा, फैक्ट वगैरह? थोड़ा देखिए ना कि हाँ क्या गलती हो रही है मुझसे यहाँ पर। क्या मैं वहाँ पर गलत टिक मार दे रही, या फिर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या मैं मतलब पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाई, क्या समस्या थी वहाँ पे? बिल्कुल भंडारी जी, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एग्जाम्पल ले करके 5 साल है क्या? नहीं, 9 साल है। ऑब्वियस ही बात है 9 साल है ना? क्या आंसर है आपका? 9 साल है ना? तो आईसीजे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूएन का। इसको बनाया गया था 1946 में। इसने पीसीआईजे को रिप्लेस किया है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे को उसने रिप्लेस किया है। ठीक है? आईसीजे का मेनली दो काम होता है। पहला काम यह है कि देशों के द्वारा जो डिस्प्यूट सबमिट किए जाते हैं उसको ठीक करना, उसको सॉल्व करना। देशों के द्वारा जो डिस्प्यूट सबमिट किए गए हैं, लीगल डिस्प्यूट, उसको ठीक करना, उसको सेटल करना। दूसरा, एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करना। समझ गए?
एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करना, जो मुद्दे इनको सौंपे गए हैं ना उस पर ही अपना एडवाइजरी देगा। अब आईसीजे में टोटल होते हैं 15 जज, जिनका टर्म होता है 9 साल का। 15 जज 9 साल का टर्म होता है, चुने जाते हैं यूएनएससी, यूएनजीए और यूएनएससी के द्वारा। ध्यान सुनना, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों के द्वारा, ठीक है। ये जो दोनों है ना वो एक साथ वोट करते हैं अलग अलग घर में बैठ करके, यूएनजीए और यूएनएससी। जब दोनों आपको अप्रूव कर देगा तभी आप बन सकते हैं। आपको एब्सोल्यूट चाहिए होती है मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, ना कि सिंपल मेजोरिटी, समझ गए। 51 से ऊपर चाहिए ही चाहिए होगा। यहाँ पर 1/3 ऑफ द कोर्ट रिटायर्ड एवरी 3 ईयर। देखो 9 साल का टर्म है, हर 3 साल बाद आपका 1/3 उड़ जाएगा, 1/3 आपका हर 3 साल बाद उड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 जो है कोर्ट का वो होता है रिटायर, और वो एलिजिबल है रिलेशन के लिए। जैसे कि बताया अशोक ने एग्जाम्पल दिया भंडारी जी का, है ना, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट, गवर्नर एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल आपका है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए, ODS के लिए। ध्यान बताना क्या सर इसका सवाल आपका है ODS के लिए के बारे में। नहीं, विजन के नहीं बनाया करता था मैं, बनाता था चाणक्य का, उनका बनाता था मैं, और फोरम का जो कंटेंट है मैंने बनाया था, जो पढ़ते हैं ना मेंस का कंटेंट, आप जो आता है मटेरियल उनका, वो मैंने बनाया था, साइंस एंड टेक का, एनवायरमेंट वगैरह का। हाँ क्या आंसर है जी? ODS के बारे में, अच्छा ODS में से कौन सा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाहर है? अच्छा सुनो ध्यान से, यूपीएससी ने यहां तक पूछ लिया था कि आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है किस चीज पर, तो वो ओजोन को बचाने के लिए है, यही है ना। जो केमिकल ओजोन लेयर को तोड़ते हैं, जो केमिकल ओजोन लेयर को तोड़ते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनको इमिट करने से रोकना है, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। ध्यान सुना, वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के भीतर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, समझ गए। कन्वेंशन बाइंडिंग नहीं होता, कन्वेंशन बाइंडिंग नहीं होता। कन्वेंशन में हम लोग जो बातें हैं मोटी मोटी वो करते हैं कि हमको आज करना क्या है, मुझे IAS बनना है, मुझे लड्डू खाने हैं, मुझे चिकन खाना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हम बात करेंगे कन्वेंशन में। अब इस बातों को हम कैसे अचीव करें, चिकन खाने के लिए चिकन ऑर्डर करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया रूल प्रोसीजर, ये आपका होगा प्रोटोकॉल में। जो महीन महीन बातें होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब बातें होंगी आपके प्रोटोकॉल में, समझ गए, ये बातें होंगी आपके प्रोटोकॉल में। तो ध्यान सुनना, एक तो हो गया आपका ये वाला, जैसे कि IAS कैसे बनेंगे सर, NCERT पढ़ना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और आपके पेपर लगाने हैं, टारगेट पूरा करना है डेली का, तो ये होता है आपके प्रोटोकॉल में, समझ गए। अंतर क्या होता है, प्रोटोकॉल बाइंडिंग हो सकता है, प्रोटोकॉल बाइंडिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर कन्वेंशन आपका बाइंडिंग नहीं होता है। जैसे कि UNFCCC ये बाइंडिंग थोड़े है, तो कन्वेंशन है, ये तो फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन है ना। क्या आंसर है इसका?
नाइट्रस ऑक्साइड थोड़े होता है, तो तीन हटाओ ना, नाइट्रस ऑक्साइड थोड़े होता है यहाँ पर इसमें मॉन्ट्रियल में, डाइक्लोरोमेथेन ये भी नहीं होता, डाइक्लोरोमेथेन ये भी नहीं होता, आपका सी जो है वो सही आंसर है। थ्री और फोर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया है, थ्री और फोर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया है। देखो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपके हैं ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स, ये आपके हैं ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांसेस। हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, अखबार पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, यहां पर बात करी जा रही थी कि जो डाइक्लोमेथेन है ना, जो ऑक्साइड है, इसको ऐड करने का, क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, ताकि जो ओजोन डिप्लीट करने वाले जो कैंसर जो आपके के केमिकल हैं, इनका प्रोडक्शन रोकना है, इसका इंपोर्ट रोकना है, और एटमॉस्फेयर में इनका जो कंसंट्रेशन उसको कम करना है। समझ गए? तो एचएफसी और एचसीएफसी दोनों हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ये दोनों हैं एचएफसी और एचसीएफसी। अगला सवाल है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, क्या चौथा, कमलकांत नायक, चौथा में कंफ्यूजन है, चौथा में क्या है सर, चौथा आपका है डाइक्लोरोमेथेन। देखो एक्सपर्ट ने कहा था कि कुछ सबस्टांस, कुछ केमिकल और हैं, डाइक्लोरोमेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाहर हैं, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और डाइक्लोरोमेथेन ये दोनों डिप्लीट करते हैं, मगर उतनी मात्रा में नहीं करते, इसीलिए हमें इसको डालना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ये बात इन्होंने डिमांड करी थी। अगला आपका है लोकसभा के बारे में, लोकसभा का स्पीकर असेंबली के डिसॉल्व होने के तुरंत बाद इस्तीफा दे देता है, क्या आंसर सही है? क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जो रूल्स कमेटी है वो स्पीकर के अधीन ही होता है? अगर स्पीकर किसी बिल को मनी बिल घोषित करता है तो क्या ये डिसीजन कहीं चैलेंज नहीं कर सकते? क्या आंसर है जी? आरआरसी वर्ल्ड आपने उपाय ढूंढ नहीं लिया है, उसको गलतफहमी कहते हैं। अखबार पढ़ने के बजाय केवल टाइम पास करना देख करके वीडियो, वो नहीं है वो सॉल्यूशन। अखबार पढ़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप हंस के पढ़े चाहे रो के पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा आपको, ये मान के चलिए बात। अगर आपके यहाँ अखबार नहीं आता है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, द हिंदू डॉट कॉम है ना, वहां पढ़ लो अखबार। समझ गए? हाँ तो स्पीकर जो है ना, स्पीकर तब तक अपना कुर्सी खाली नहीं करेगा जब तक कि नया स्पीकर ना आ जाए। समझ गए? हाँ तो पहला गलत हो गया आपका, पहला क्या है, पहला आपका गलत है। तो आपने क्या किया, ए काट दिया, आपने डी काट दिया, बढ़िया। बाकी जो दोनों बातें वो सही हैं, टू और थ्री आपका सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, दो और तीन आपका सही है, क्लियर है? स्पीकर अपना पद खाली नहीं करता असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का लोकसभा का दोनों का स्पीकर अपना पद खाली नहीं करेगा जब तक कि कोई नया स्पीकर नहीं आ जाता। ठीक है, ये जो पुराना स्पीकर है ना, वही नए स्पीकर का चुनाव करने के बाद अपना त्याग पत्र देता है।
एडवाइजरी कमेटी, जीपीसी और रूल्स कमेटी, ये तीनों स्पीकर के अधीन होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और आपका रूल्स कमेटी, ये तीनों होते हैं आपके आपके स्पीकर के अधीन। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि एक बिल जो है मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। स्पीकर डिसाइड कर रहा है कि बिल मनी बिल है कि नहीं और इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। चलो यहां हमने कुछ नोट्स दिया है आपको, ध्यान सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मैंने कुछ नोट्स दिया स्पीकर के बारे में, स्पीकर के बारे में पूरी बातें यहां बताई है मैंने, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन स्पीकर का कैसे होता है, इसको रिमूव कैसे करते हैं, स्पीकर के पावर्स क्या हैं, ठीक है। स्पीकर का जो प्रशासनिक रोल है वो क्या है, इनका प्रशासनिक रोल क्या है, इनके दूसरे रोल्स क्या हैं, सब बातें हमने यहाँ पर बताई थी, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमेंड किया है इलेक्शन को ऑन द ग्राउंड ऑफ वोटर बीइंग ब्राइब्ड विथ मनी। इलेक्शन कमीशन ने ये पाया हाँ कि जो वोटर हैं इनको पैसे खिलाए गए, इसलिए उन्होंने वोटिंग को रद्द कर दिया। कमीशन ने पाया कि जनता को पैसे खिलाए गए हैं, उन्होंने वोटिंग को फिर रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन पावर कहाँ से मिलता है, ये वाला चुनाव आयोग को ये पावर कहाँ से मिलता है, सेक्शन 58A आर्टिकल 324 सेक्शन 52, क्या आंसर है जी? हाँ हाँ, कई सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन, जैसे कि बात पूछनी थी कि सर स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के बाद क्या शुरू करेंगे। ध्यान सुनना, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के बाद मैं शुरू करूँगा 6th से 12th तक की ज्योग्राफी, जो न्यू एनसीईआरटी है ना, ये शुरू करेंगे हम लोग। फिर आपका जो 11th का जो फाइन आर्ट्स है, आर्ट फाइन आर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर की, वो शुरू करेंगे। मैंने आज डाला था पोस्ट टेलीग्राम, मैंने पोस्ट डाला था आज ना, क्या हमें शुरू करेंगे, हमने लिख के दिया तो था, ठीक है। तो यहां पे आपका जो कमीशन, उसके बारे में सवाल है, कमीशन को पावर कहां से मिलता है। हाँ, इसको मिलता है पावर आर्टिकल नंबर 324 से। 324 जो है ना, इनको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। इलेक्शन कमीशन जो थे ना, वो मजबूर हो गए थे तमिलनाडु का जो असेंबली सीट है उसके चुनाव को रद्द करने का, क्योंकि वोटर्स को, जो आपके वोटर्स हैं उनको पैसे खिलाए गए थे। क्या किया कमीशन ने, आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसका इस्तेमाल किया और ये काम करने से रोका। मगर समस्या ये हुई कि कमीशन ने ये कहा कि सर ये बताओ, हम बात बात पर 324 लगाते रहेंगे क्या, मैं बात बात पर आर्टिकल 344 लगाता रहूंगा, 324 लगाता रहूंगा, नहीं। उन्होंने कहा कि इसको तुम एक लीगल बना दो, एक लॉ पास कर दो, मुझे बता दो कि हाँ मैं यहां पर इसको रद्द कर सकता हूं। सेक्शन 58A जो है, 58A जो है ना, पहला ऑप्शन वाला, ये कमीशन को देता है पावर कि आप चुनाव को कैंसिल कर सकते हैं अगर वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई है तो। अब होता है क्या, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती क्योंकि यहां पर वो थोड़े है, जो होता है ना जिस पर ठप्पा मारते हैं स्याही लगाते हैं, वो सब नहीं ना है, यह तो आपका ईवीएम मशीन है। यहां आपका क्या है, ईवीएम मशीन है इसीलिए। अगला सवाल है, ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ नागरिक उड्डयन सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसके अंतर्गत।
कौन सा मंत्रालय है आपका, कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है ये वाला? बिल्कुल सही है, विष्णु महापात्रा। बहुत अच्छे आंसर यहाँ पे। जो आपका नागरिक उड्डयन है, सिविल एविएशन है, वो आपका ए है जो सही है। सिविल एविएशन मंत्रालय जो है ना, वो इसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। पहला आपका यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखो। हाँ, आपका जो BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है ना, ये बन गया था एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। अगला सवाल आपका है महान्यायवादी के बारे में। आपने कल ही पढ़ा है इसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कल ही पढ़ा है आपने, याद है ना? कल मैंने पढ़वाया था आपको अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में। है ना? कल आपको मैंने पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल केंद्र में है आपके, अटॉर्नी जनरल आपके केंद्र में है, और एडवोकेट जनरल जो हैं कहां पर है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल को प्रधानमंत्री नहीं करता नियुक्त, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति करता है नियुक्त। कौन करता है सर? इसको राष्ट्रपति करता है नियुक्त। मेरा पहला गलत हो गया, पहला गलत है। राष्ट्रपति की सहमति पर अटॉर्नी जनरल के लिए 5 साल का कार्यकाल किया गया है। नहीं, इसका कोई कार्यकाल है ही नहीं, राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल नहीं है। इसका कोई भी वैसा जो होता है ना टर्म, वो नहीं है। तो कम से कम गलत हो गया मेरा आंसर में, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। समझ गए? मेरे आंसर में ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। तो देखो यहां पर, यहां तो 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 1 2 दोनों है। क्या बच गया आपका? सी, 3 और 4 ओनली करेक्ट। केवल 3 और 4 ही केवल सही हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी कोर्ट में जाने का, वहां बैठने का इनको अधिकार प्राप्त है। क्या आंसर है अगला जी? देखो, आर्टिकल नंबर जो 76 है आपका, जो आर्टिकल 76 है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है ना, वो अपॉइंट करेगा किसी व्यक्ति को एज अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट ही करता है अपॉइंट एज अटॉर्नी जनरल, और इस अटॉर्नी जनरल को राइट टू ऑडियंस होता है भारत के सभी कोर्ट्स में। क्लियर? अगला बोलना, इनमें से कौन से जो हैं जस्टिसिएबल हैं, इनमें से कौन सा जो है वो आपका जस्टिसिएबल है? फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन पार्ट 3। क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है जी? बिल्कुल, जैसे ही पार्टी बदलती है केंद्र में, वैसे ही ये भी इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि ये पार्टी के लॉयल होते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल एक्चुअली पार्टी के लॉयल होते हैं, उनके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। देखो आपका एकदम सवाल आसान सा है, DPSP है क्या? नहीं, DPSP, DPSP फंडामेंटल ड्यूटी, दोनों के दोनों आपका जो डिसेबल नहीं है, क्या है?
डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी आपको मैंने पढ़वा दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी आपको मैंने पढ़वा दिया है, दोनों आपके जस्टिसिएबल नहीं हैं, दो और तीन दोनों गलत हो गया, पहला सही है, चौथा सही है आपका। क्या आंसर आ गया जी? 1 और 4, ए आपका जो है वो सही है, ए आपका सही है, 1 और 4 आपका सही है ना। चलो, जो भी संवैधानिक अधिकार दिए गए आपको पार्ट नंबर 3 के, वो सारे आपके जस्टिसिएबल हैं। बढ़िया। अगला सवाल है आपको एक पर्सनालिटी के बारे में, अगला सवाल है आपके एक पर्सनालिटी के बारे में, ध्यान से बताना। उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन में, उन्होंने बनाया दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में। कहाँ सर? लाहौर में। हाँ, प्रियम्बल में नहीं है, बहुत अच्छे। प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों के तीनों इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है ना? बढ़िया। उनको अटैक किया गया था पुलिस के द्वारा एक प्रोटेस्ट के दौरान, जो प्रोटेस्ट था वो हो रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, आप समझ गए होंगे। उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था 1920 में। नरेंद्र भाई कहाँ थे इतनी देर बाद? लाइक शेयर सब्सक्राइब, 50 मिनट हो गया, थोड़ा पहले कह देते। बहुत अच्छे। ला ला नहीं है, लाला लाजपत राय हैं। ला ला दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में है, ठीक है ना। कौन से थे ये? उनको एकदम ऑब्वियस हो गया आपका आंसर यहां पे, है ना? ऑब्वियस ही बात है। परमानंद नहीं है, सराबा नहीं है, सप्रू नहीं है, क्या आंसर हो गया आपका? नन ऑफ द अबव। लाला लाजपत राय जी थे, लाला लाजपत राय जी थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। आपका जो यहां पर स्कूल है लाहौर में बनाया उन्होंने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पे इन पर अटैक हुआ था कब? जब प्रोटेस्ट चल रहा था। आपका यहाँ पर क्या आंसर है? आपका डी आपका जो है वो सही है। चारों बातें सही हैं आपके लाला लाजपत राय जी के बारे में। अगला सवाल आपका है स्टील पॉलिसी पर। सवाल आपका अगला है नेशनल स्टील पॉलिसी पर, ध्यान से बताना। क्या स्टील पॉलिसी ये कहता है कि भारत चाइना को सरपास कर लेगा फुल कैपेसिटी में? ठीक। हाँ थोड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? मैंने बताया था आपको पॉलिसी के बारे में, हम लोग किसी कंट्री का नाम नहीं लेते यहां पर कि हमको उससे आगे जाना है, हम बस क्वांटिटी बताते हैं कि हमको इतने पार करना है। सोचो अगर किसी कंट्री का नाम हमने लिया होता कि हमको इस कंट्री से आगे जाना है और वो कंट्री खुद गिर जाए तो, वो कंट्री खुद गिरे तो क्या करेंगे? मेरा टारगेट कम हो जाएगा ना।
जैसे कि मान लो कि आप हो, आपका ये कहना है कि मैं अपने दोस्त से ज्यादा नंबर लेकर के आऊंगा, अपने दोस्त से मैं ज्यादा मार्क्स लेकर के आऊंगा, कि आपका दोस्त लाता था उस समय 98%। आपने क्या बोला? अपने दोस्त से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। मतलब क्या सोचा आपने? आपने सोचा होगा कि यार 98 ला रहा है तो 99 चाहे 100 लेकर के आएंगे हम। मगर वो दोस्त ने उस साल 40 नंबर लेके आया, तो क्या आपको 98 99 चाहिए? नहीं, आपको 41 चाहिए अब, है ना? तो आपका पूरा टारगेट ही बदल गया, क्योंकि आपने किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना गोल चुना था। तो यहां पर मेरा पहला गलत है, ऐसा हमारा पॉलिसी नहीं कहता, हमारी पॉलिसी ऐसा नहीं कहता, ठीक है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोकिंग कोल का इस्तेमाल तो होना ही है। कोकिंग कोल जो होता है उसका रॉ मटेरियल है। और क्या, दोस्त फेल हो गया तो दोस्त फेल हो गया तो क्या करेंगे? जैसे कि अभी जो बोर्ड एग्जाम हैं वो बिना एग्जाम के पास कराए जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे सर हमको बनाओ ना IAS बिना एग्जाम कराए इस साल तो बनता है 98.09% लाएंगे सही बात है। तो आपका यहाँ पर जो स्टील है उसमें कोकिंग कोल रॉ मटेरियल है, स्टील में कोकिंग कोल रॉ मटेरियल, इसको थोड़ा खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर बी टू ऑनली, 3 आपका गलत है। क्या है सर? आपका बी टू ऑनली सही है। मेजर सेगमेंट डैट विल कंज्यूम स्टील विल इंक्लूड हाउसिंग एंड ऑटोमोबाइल। बढ़िया, क्लियर है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका बी टू ऑनली आपका जो है वो सही है। अगला आपका सवाल, अच्छा मैंने बताया इसके बारे में, हमारा क्या है कि हम 300 मिलियन टन पर ईयर ले जाएंगे। हम लोग 300 टन पर ईयर हम ले जाएंगे, ये चाइना से अभी भी कहीं ज्यादा कम है। चाइना हमसे कई गुना ज्यादा स्टील जो है वो बनाता है। और क्या है? अगला सवाल आपका है, इनमें से कौन सी नदियां गुजरती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से? इनमें से कौन सी नदियां काजीरंगा पार्क से गुजरती हैं होकर के? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम से गुजरने वाली नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, डिफलू, धारिला, मोरा डिफलू, रंगपो। क्या आंसर है जी? डिपेंडेंसी को तुम कैसे कम करोगे? क्या तुम रोटी की मान लो कि तुम रोटी बनाते हो, तो क्या रोटी बनाने में आप गेहूं पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं? अरे रोटी जब बनेगा तो गेहूं से ही बनेगा, है कि नहीं है? क्या स्टील बनाने के लिए आप लोहे पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग पीछे नहीं हैं, स्टील प्रोडक्शन में हम लोग पीछे नहीं हैं। बस हमारा प्लान ये है कि हम अपना इंडिपेंडेंट गोल सेट करें, इंडिपेंडेंट गोल हम अपना सेट करें, ठीक है? क्या आंसर है इसका? वन टू वन फोर। देखो ब्रह्मपुत्रा तो है, ब्रह्मपुत्रा भी है, डिफू भी है। ब्रह्मपुत्रा है, डिफू है, मोरा डिफलू है, मोरा धनसरी है। ब्रह्मपुत्रा है, डिफू है, मोरा डिफू है, मोरा धनसरी है, और बस। तो क्या आंसर आपका आ गया? वन टू वन फोर। सी आपका सही आंसर है, सी जो है आपका सही आंसर है ना? चलो अगला आपका टॉपिक हो गया आईसीसी के बारे में।
अभी कुछ देर पहले पढ़ा है आपने ICJ का टॉपिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टॉपिक पढ़ा है आपने कुछ देर पहले। करना क्या है अब? क्या आंसर है? हाँ आपको मैंने ICJ बताया था। नहीं, रंगपो नहीं है। काजीरंगा से मेनली चार नदियां गुजरती हैं। काजीरंगा से चार नदियां, ब्रह्मपुत्र, डिफू, मोरा डिफू, मोरा धनसिरी। ब्रह्मपुत्रा, डिफू, मोरा डिफू, मोरा धनसिरी। रंगपो है क्या? चलो जरा देखते हैं रंगपो है कि नहीं है। रिवर्स पासिंग थ्रू थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क है ना? कहाँ है? चार ही तो है जी, ब्रह्मपुत्रा, डिफू, मोरा डिफू और मोरा धनसरी। कहाँ है तुम्हारा कुछ भी फर्जी में? नहीं है, चार नदियां हैं। अरे काजीरंगा से होके कहता है, काजीरंगा से होके, ठीक है ना? देखो यहां पे। अच्छा, ये जो आपका है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ है सर? आसाम में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पर वर्ल्ड आपका जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, एक सींग वाले गैंडे का यहाँ पर सबसे बड़ा जनसंख्या पाया जाता है। काजीरंगा में सबसे ज्यादा डेंसिटी है टाइगर का पूरी दुनिया में। ध्यान सुनना, टाइगर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? काजीरंगा में है, और इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2006 में। समझ गए? है ना? बढ़िया। वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा, बाघ के अलावा यहां पर आपको हाथी, वाटर बफेलो, सॉम डियर सब मिलता है। इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, हाँ सुना, इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा यहां पर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। क्या किया गया है? यहां पर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, यहीं पर सवाल पूछ दे आपसे कि ये बताओ, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन करता है डिक्लेयर? क्या बताएंगे? बर्ड लाइफ नहीं करता डिक्लेयर। आपका जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, इसके पास होता है जुरिडिक्शन किसका? जेनोसाइड का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, वॉर क्राइम का और क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन सभी का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका चारों सही है। क्या आंसर आ गया जी? डी आपका यहां पर सही है। डी जो है वो आपका सही है। बढ़िया है ना? मेरा ससुराल है यहां पर, क्या बात कर रहे हैं? अरे घर परिवार की बातें होने लग गई यहां पे। ICC को बनाया गया था 1998 में। ICC को बनाया गया था 1998 का जो रोम स्टैचू है ना, उसके द्वारा इन्होंने काम करना शुरू किया 2002 में। 98 में, 1998 में आपका जो रोम स्टैचू है वो साइन हुआ था। यही है जो फाउंडिंग ट्रीटी है इस ICC का, यही है जो फाउंडिंग ट्रीटी है ICC का। ये कहता है कि वॉर क्राइम क्या है। वॉर क्राइम वो चीज़ है जो भी कोई इंटेंशनल अटैक होगा,
हिस्टोरिकल मोन्यू, अच्छा ये क्यों डाला गया था जी, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पर अगर आप अटैक करते हैं तो भी वो वार क्राइम माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आईएसआईएस वालों ने इराक में आकर के जो आपके पुराने पुराने मोन्यूमेंट हैं उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया था। क्लियर है? इसका क्षेत्राधिकार केवल चार क्षेत्रों में है। कौन कौन सा? जेनोसाइड, मानव के खिलाफ क्राइम, वॉर क्राइम और क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये आपके चार हैं जो मेन क्राइम हैं। यहां मैंने बताया है आपको ये जो आईसीजे और आईसीबीजे अंतर है ना, उसको ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं गायब हो रहा हूं यहां पर से ताकि आपको चीजें दिख जाए। दिखेगा, रुक जाओ, हो गए गायब। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर आईसीजे बनाया गया था 1946 में, आईसीसी 2002 में काम करना शुरू किया था। 1998 में आपका जो स्टैचू है वो आपका पास हुआ था, रोम स्टैचू 1998 में बना था। समझ गए? कोई दिक्कत है ना? तो यहां पर आपका जो ऑफिशियल कोट है यूएन का उसको हम कहते हैं वर्ल्ड कोट, ये आपका आईसीजे ही है। आईसीसी इंडिपेंडेंट है, ये यूएन के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता, मगर ये जो रेफरल होता है यूएनएससी का उसको एक्सेप्ट कर सकता है। आईसीजे का हेडक्वार्टर है आपका पीस पैलेस में, हेग में ही। आईसी का आपका हेग में ही है। आईसीजे और आईसीसी दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, वो भी आपका है हेग। समझ गए? बढ़िया। तो इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे अपने सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है। अगला सवाल आपका है आर्टिकल नंबर 214। आपका जो आर्टिकल वो है 214, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। क्या बात सही है? क्या पार्लियामेंट हाई कोर्ट बनाएगा हर राज्य के लिए आर्टिकल नंबर 214 के अंतर्गत? ठीक है, आ गए, चलो आ गए। ठीक है, काजीरंगा ससुराल किसका है ना? मयंक ससुराल मयंक काजीरंगा में है। आर्टिकल नंबर 214 के बारे में सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल नंबर 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 214 क्या कहता है? देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। मगर सर हर राज्य में होता कहाँ है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट हर राज्य में इसलिए नहीं होता क्योंकि आर्टिकल 231 ये कहता है कि लॉ पास करके सरकार कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकता है, मतलब कि दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट यहां पर बना सकता है। क्या आंसर है? देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर इज स्टेट, ये कहना है आपका आर्टिकल नंबर 214 में। बढ़िया। जो 231 से क्या कहना है, वहां पर 231 में कहना है आपको कि वहां पर एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। अगला सवाल आपका है संपदा के बारे में, कर ले जाएंगे। संपदा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस लिए है जी बताना जरा। संपदा
सर भारत दर्शन के लिए हमारे यहाँ भी आते हैं ऑफिसर, काजीरंगा। हाँ हमारे यहाँ भी आते हैं, बोध गया। सिली मिस्टेक सर, मिस्टेक सर। ओहो ज्योति, 777CA। मत्स्य संपदा, संपदा मैंने पहले पढ़ाया है कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही शायद, कल परसों। समझ गए? संपदा मैंने आपको पहले पढ़ाया कुछ दिन पहले। हाँ क्या आंसर है? संपदा में देश का जो खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर है इसको विकसित किया जाएगा। संपदा के अंतर्गत देश का जो खाद्य संस्करण ये सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। आपका यहाँ पर पहला सही है। संपदा क्या है? एक छाता स्कीम है। संपदा एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत आपके जो मेगा फूड पार्क हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस, सभी तरह के यहाँ पर काम किए जाएंगे। कुछ जो नई स्कीम है वो लॉन्च किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटीज। समझ गए? ये आपका सवाल है किसके बारे में? संपदा के बारे में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो कैस्पियन सी की ओर खुलता है? हमने आपको एक ट्रिक बताया था, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या आपको ट्रिक याद है? इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो खुलता है कैस्पियन सी की ओर? याद है तारीख? तारीख याद है? तारीख क्या है जी? तारीख, बिल्कुल सही। TARIK। जी हाँ, रशिया, ईरान। इतना लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आते हैं देखना। यूपीएससी ने पूछा था एक बार, अभी शायद 15 में पूछा था उन्होंने, कि इनमें से कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट हैं हमारे यहाँ, इनमें से कौन कौन से ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट हैं हमारे यहाँ। और उसमें उन्होंने पांच दिया था, पांच दिया था, उसमें से एक था पोलोनियम, उसमें से एक था पोलोनियम। अगर आप पोलोनियम इलिमिनेट कर देते ना, आपका आंसर आ जाता वहां पर, है ना? तो यहां पर क्या है? तुर्कमेनिस्तान है ना? अगर आप यहां पर तारीख लगाएंगे TARIK तो क्या आएगा? तुर्कमेनिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा। आपका यहां पर अजरबैजान आएगा, रशिया आएगा, ईरान आएगा, और कैसे क्या आएगा? कजाकिस्तान आएगा। तो 1, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 4, 6, 7 आपका पहला ऑप्शन सही है। 1, 3, 4, 6, 7 आपका पहला ऑप्शन जो यहां पर जो है वो सही है। ध्यान से देखिएगा यहां पर इस कैस्पियन सी के बारे में, ठीक है? अर्मेनिया नहीं लगता है, जॉर्जिया नहीं लगता है। आपका जो अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, वो नहीं लगता है। न अर्मेनिया न जॉर्जिया, न अर्मेनिया न जॉर्जिया, दोनों से कोई नहीं लगता है। यहाँ पर उज्बेकिस्तान पहले ही खत्म हो जाता है। बढ़िया बात। देखो
यूराल रिवर, यूराल जो रिवर है ना वो जाके यहीं गिरती है आकर के, यूराल रिवर आ करके इसी में गिरती है। तो ध्यान से यह बात याद रखना, यूराल रिवर, यूराल नदी आकर के यहीं गिरती है। बढ़िया। हाँ ठीक है, अगला सवाल आपका है एसएसबी के बारे में। एसएसबी के बारे में सवाल है, ध्यान से बताइएगा, क्या एसएसबी भारत का सीएपीएफ में से एक आता है? हाँ देखो, एक बात मैं ढूंढ रहा था, कैस्पियन सी, इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं मुझे ये बताओ। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है, दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा झील भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडोरिक है। क्या है ये झील? आपका इंडोरिक है, मतलब कि इस झील में से पानी कहीं बाहर नहीं जाता, इस झील में से कोई आउटफ्लो नहीं है, यहां से पानी कोई बाहर नहीं जाता। ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। क्या है? यूरोप एशिया के बीच में स्थित है। काकुस माउंटेन के पूरब में, यहां पर काकुस माउंटेन है आपका, उसके पूरब में बसा हुआ है। बढ़िया। जी हाँ, इसमें जो इनफ्लो होता है वो होता है वोल्गा नदी का, समझ गए? वोल्गा नदी इसमें आके गिरती है, वोल्गा नदी यहां पर आकर के गिरती है। ठीक है, ये बातें हो गई। यहां बताना क्या आंसर है एसएसबी के बारे में, क्या आंसर सही है जी? हिंदी वाली मैगजीन कुछ दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी वाला मैगजीन कुछ दिन में आ जाएगा। एसएसबी क्या भारत का सीएपीएफ में आता है? बिल्कुल आता है। एसएसबी ही क्या बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारा इसमें आता है, समझ गए? एसएसबी के अलावा बाकी सारे भी आते हैं। अच्छा ध्यान सुनना, मिलिट्री होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जो मिलिट्री है ना वो रक्षा मंत्रालय के आता है, पैरा मिलिट्री जो होता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, पैरा मिलिट्री वाला गृह मंत्रालय। ठीक है, पैरा मिलिट्री आपका गृह मंत्रालय। बढ़िया ठीक है। अभी सभी लोग जा करके जो टारगेट है वो देख लेंगे और आपका जो उसको पूरा कर लेंगे आज शाम की रात तक के टारगेट, जिन्हें पता नहीं है बता दीजिएगा कमेंट में। तो यहां पर आपका जिस भी है ना उसके बारे में है, पहला मेरा सही है, पहला जो है वो आपका सही है। दूसरा, नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है ना वहां पर ये गार्ड करता है, एसएसबी जो है वो आपका इंडो नेपाल और इंडो भूटान दोनों। ठीक है, एसएसबी आपका गृह मंत्रालय के अधीन है, इंडिया नेपाल इंडिया भूटान बॉर्डर गार्ड करता है, इसके अंतर्गत सीएपीएफ, सीएपीएफ का दो गन एग्जाम, तो इसमें आपका आता है कौन कौन सा? एसएसबी, बीएसएफ, इंडो टाबेटियन बॉर्डर फोर्स, फिर आपका आता है सीआईएसएफ, ये सारे आपके आते हैं यहां पर। इसको बनाया गया था 1963 में, भारत चाइना युद्ध के बाद इसको बनाया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में। बाद में 2001 में इसका नाम बदला गया था, बदल गया, रखा गया एस एस बी,
सशस्त्र सीमा बल, सीमा बल, ठीक है। एसएसबी को जम्मू कश्मीर डिप्लॉय किया गया है, एसएसबी को जम्मू कश्मीर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी डिप्लॉय किया गया है। चुनाव के समय भी यह आपको देता है, चुनाव के समय भी यह आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्शन के टाइम भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यह समझ गए, ध्यान रखिएगा एसएसबी के बारे में। अगला सवाल है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको बढ़ावा देना, क्या डीपीएसपी का पार्ट है? राज्य के जो आपके नीति तत्व हैं, निश तत्व है ना, उसके बारे में, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी अंडर आर्टिकल 253। क्या इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट पूरे देश के लॉ बना सकता है? क्या आंसर है जी? सर आप रिप्लाई नहीं किए, मेरा कमेंट गायब हो गया अब। अरे तो कमेंट डिलीट क्यों करते हो, कमेंट डिलीट क्यों करते हैं आप लोग? सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है। सर की 7 AM और 9 बजे PM वाली वीडियो नहीं मिल रही है सर। तो टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम ऐप ओपन करना, टेलीग्राम ओपन करना, वहां पर एड सुमंत सर्च कीजिएगा, यहां पर मेरे सारे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप ओपन करना, एड सुमंत सर्च करना, आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। खाना अच्छा। हाँ पहला तो सही है, पहला सही है ना, यहां पे दोनों बातें यहां पर सही हैं। देखो जब मैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा, आपको मैं जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र किसी भी विषय पर लॉ बना सकता है, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो, कंटिनेंट लिस्ट हो। पार्लियामेंट जो है ना, वो तीनों पर लॉ बना सकता है अपने किसी एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये जो लॉ होगा वो कवर करेगा पूरे भारत को, या फिर जितने हिस्से को जितना वो कवर करना चाहे, तो आपका दूसरा भी सही है, समझ रहे हो। तो ये मेन इशू ये है, राज्य ये कहते हैं, स्टेट ये कहते हैं कि यार एक तो हमको एक वो लिस्ट मिला है स्टेट लिस्ट, उस पर भी तुम लॉ बना दोगे तो हम करेंगे क्या? तो क्या बोलता है केंद्र, केंद्र ये बोलता है कि चूंकि हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में हमको बनाना पड़ेगा, समझ गए, बढ़िया। चलिए यहां पर आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 कहता है कि जो राज्य है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करेगा। आर्टिकल 50 बोलता है कि आपका इसको अलग करेगा। 51 क्या बोलता है, 51 कहता है कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय पीस सिक्योरिटी इसको बढ़ाएगा, जो देश हैं उनके बीच जस्ट और अनरेबल संबंध वो बनाएगा। इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशन के लिए जो सम्मान है वो पैदा करेगा, ठीक है ना। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट हैं इसको सॉल्व करेगा वो आर्बिट्रेशन के जरिए, मतलब कि जो होता है ना मेल मिलाप, उसके जरिए वो सॉल्व करेगा। तो आपको यहां पर सी जो है वो सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। तो ये बातें हो गई। आप जब 51 नंबर आर्टिकल पढ़ेंगे, 51A का जो आपका आर्टिकल है वो है आपके फंडामेंटल ड्यूटी पर, फंडामेंटल ड्यूटी पर है आपका ये वाला आर्टिकल, समझ गए, ठीक है ना। तो यहां पर
भारत के हर नागरिक का, ध्यान सुनना, मैं आपको यहां पर एफडी क्लियर कर दे रहा हूं, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, इसके आइडियल्स, इसके जो संस्थान है, इसकी इज्जत करे, भारतीय तिरंगे का, भारतीय एंथम का वो सम्मान करे, ठीक है ना। वो नेशनल सर्विस दे अगर जरूरत पड़े तो। होता है ना कभी कभी कि अगर युद्ध छिड़ गया तो आपसे आपका सहयोग मांगा जाता है कि हाँ आप आइए वहां पर वॉलेंटियर कीजिए, जो महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके खिलाफ कोई ऐसा काम मत कीजिए, जो आपका प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसको बचाइए, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़िया कीजिए, जो आपके लिविंग क्रिएचर हैं, जो सजीव जीव हैं, उनके प्रति आप जो कंपैशन है, जो आप दयालुता है वो रखिए और उनको बचा कर रखिए। जैसे कि बंदर है आपका, जो यहाँ पर पक्षी वगैरह हैं, इन सब के प्रति आपको थोड़ा सा है ना प्रेम भाव वो बना के रखना है। मैंने कल मूवी देखी थी, इब अले ओ, इब अले ओ, बहुत अच्छी मूवी है, इसको देखिएगा। परसों मैंने कहा था कौन सी मूवी देखने के लिए, बुलबुल, है ना। बुलबुल मूवी जो है ये देखना, अच्छी मूवी है। इसके अलावा जो इब एले ओ है वो देखना। बाकी तो पता ही है आपको जो कल्ट मूवी है हमारे, गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ये सब तो देखे ही होंगे, है ना। तो यहां पर आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है इसको डेवलप करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा कर रखना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। अब यहां पर समझो, ये आम नागरिक के लिए फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? ये आपका आम नागरिक के लिए है। मगर समस्या की बात ये है कि ये जो आम नागरिक है उसको समझ में नहीं आएगा। साइंटिफिक टेम्पर क्या किसी आम को समझ में आएगा? नहीं, नहीं आएगा, उसको बहुत ही पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। तो आप फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा बनाओ ना कि सबको समझ में आए, है ना। तुम्बाड़, हाँ जी हाँ, मैंने बताया था ये कौन सा था जी, बुलबुल और तुम्बाड़। तुम्बाड़ काफी अच्छी मूवी, देख लेना उसको, तुम्बाड़ जो है ना। चलो आपका इन्वर्टर डाउन हो गया, इन्वर्टर डाउन हो गया, तो करते हैं कुछ, ठीक है। तो करते हैं क्या दोस्तों, अभी हम लोग क्लास बंद करते हैं और हम मिलेंगे कल, ठीक है। हम लोग क्लास बंद करते हैं अभी और हम लोग मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। सॉरी, बिजली नहीं है हमारे पास अभी, लाइट सुबह से नहीं है, इसी कारण से मैं क्लास बंद करनी पड़ेगी। बाकी बातें पता है, देखो हमने कितने टॉपिक कवर किए थे आज, हमने आज 60 टॉपिक कवर किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, है ना। आपको पता है हमारे कोर्स के बारे में, जो रेफरल कोड है वो है एसएन लाइव। हम लोग 1 जुलाई से नया कोर्स शुरू करेंगे, करंट अफेयर का, करेंट का हम लोग शुरू कर रहे हैं नया कोर्स 1 जुलाई से। फटाफट से लोग ज्वाइन कर लेना, एसएन लाइव आपका रेफरल कोड है। आपको हमारे ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर बातें डिस्कस करते हैं हम लोग, अपना मेंस का आंसर रिव्यू करते हैं और आपको बातें वहां पर डिस्कस करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो कोड याद रखना, एसएन लाइव इज द रेफरल कोड, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग मिलते हैं इससे पहले कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है। सभी लोग टारगेट पूरा कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।